डीपीएमआई दरभंगा में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक लिया भाग। दरभंगा शहर के गायत्री मंदिर स्थित प्रसिद्ध पैरामेडिकल संस्थान डीपीएमआई में मंगलवार को 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन एआईएमआईएम के अध्यक्ष नगजे आलम, मिलत कॉलेज के प्रोफेसर जोहा सिद्दीकी और कॉलेज प्राचार्य फौजिया जमाल के हाथों उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। हमेशा किताबों की दुनिया में डूबे छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हर वर्ष संस्थान द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस वर्ष कुल 6 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें लूडो, चेस, कैरम, टेबल टेनिस आदि शामिल था, जिसमें संस्थान के 118 छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि नजरे आलम ने संस्थान प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में ताजगी आती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। संस्थान के हेड जावेद खान ने कहा कि संस्थान हमेशा ही अपने छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ अतिरिक्त गतिविधियां आयोजित करता रहता है। यही कारण है कि यहाँ का वातावरण हमेशा ही आनंदित रहता है। इस मौके पर संस्थान के कार्यकारी प्रशासक मोहम्मद इब्रार आलम सहित सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। आज एक्चुअली हम लोग एनुअल डे स्पोर्ट्स का हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, जो हर साल की तरह इस साल भी हमारे यहाँ हुआ है। और इसमें ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे जो एजुकेशन में हैं उनकी एक्टिविटी को और मॉडिफाई किया जाए, वो मोटिवेट कर करके बच्चे जो है इस चीज़ में स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे अपनी ज़िंदगी को सफल बनाए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही एक ज़रूरी चीज़ है, मेंटल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना पे स्पोर्ट्स का हम लोग ये आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि जो हमारे आए थे वो डॉक्टर जोहा सिद्दीकी साहब, जो मिलत कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और एक मिस्टर नजरे आलम साहब जो जेडीयू के ऑलरेडी एक्टिविटीज़ में ही हैं, वो एक नेता भी हैं उस तरह के, तो वो भी आए थे और उन्होंने भी हम लोग को हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। सर, कौन कौन सी खेलें इसमें है, आउटडोर है कि इंडोर है? ये सारा इंडोर खेल है हम लोगों का, जिसमें टेबल टेनिस है, कैरम बोर्ड है और लूडोज है और बैडमिंटन है। ये सारे खेल जो है हमारे यहाँ इस वक्त में उपलब्ध हैं और जो बच्चे इसमें, बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया है और उम्मीद है कि इसमें ये लोग अपना जो उनका वो है मकसद वो उसमें पूरे करें। कितने वर्षों से सर ये चालू है? ये 2018 से ये चालू है, अभी तक वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो इसमें यानी खेल कूद मौज मस्ती सभी बच्चों से करते हैं, मतलब जो थकान होती है एक तरह से, आप किस तरह से स्ट्रेस दूर किया जाए उन्हें भी ये बताया जाता है। देखिए, ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही ये प्रोग्राम रखा जाता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एजुकेशन में ही लोग आने के बाद में स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने बच्चों को ये करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए हम लोगों ने ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखा है। तो बच्चे खुद ही जब खेलेंगे तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा और वो अपने हिसाब से वो उनका माइंड की एक्टिविटी बढ़ेगी। इंडोर गेम्स टूर्नामेंट यकीनन छात्रों की जिंदगी में खेल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप शिक्षा के साथ साथ अगर खेल कूद को भी तरजीह देते हैं तो आप हर स्तर पर स्वस्थ रहेंगे और शिक्षा हासिल करने में भी आपको This come under the extracurricular activity, and this is the sport teaches us students many important lessons of the life. On the one hand, we provide the complete mental and physical benefits to the children, and on the another hand, it's provide a discipline. It's provide how to behave in a society, in a social environment, and how to behave. It also teaches us to be honest in everything, either it is our academic work or in our DPMI paramedical group, medical organized indoor game mein और हमारी काम में जुड़े हुए हमारे बड़े भाई जनाब नजर आलम साहब इस प्रोग्राम में।